दोस्तों, आज का वीडियो में हम कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में बताने वाले हैं जो बैंकों में करना सख्त सख्त मना है और इसके लिए आपको कुछ हद तक सजा भी हो सकता है। तो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में और आज का जो वीडियो है इस भ्रम हम आपको बताने वाले हैं बैंकॉक के कुछ वर्ड्स फैक्ट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। बैंकॉक में किसी भी सन्यासियों का छूना तक मना है। अगर आप वहाँ पे किसी को छूते हैं तो आपको कुछ हद तक सजा भी हो सकता है। बैंकॉक में ऐसे भी कहा जाता है कि महिला को सन्यासियों को छूने तक की अलाउ नहीं है और एक सन्यासी एक महिला के पास बैठ भी नहीं। तो ध्यान रखिएगा इस बात का अगर आप बैंकॉक में जाते हैं। तो बैंकॉक में जाने के बाद आप अपना पैर का इस्तेमाल भूल ही जाए तो ही बेहतर है। अगर आप गलती से भी किसी को अपना पैर दिखा देते हैं तो आपको बहुत ही हैरेसमेंट झेलना पड़ सकता है, क्योंकि बैंकॉक में पैर दिखाना एक बुरी हैबिट माना जाता है। बैंकॉक में जाने के बाद बैंकॉक के रॉयल फैमिली के बारे में कुछ बुरा भला कहने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि आप बैंकॉक के रॉयल फैमिली के बारे में कुछ बोले या उनकी थाई की कॉइन्स के साथ कोई भी छेड़खानी करें तो आपको एक अच्छी खासी लंबी सजा भी हो सकता है। बैंकॉक में जाने के बाद गलती से भी आप अपना कपड़ा मत उतारिएगा। जैसे कि हम यहाँ पे बीच साइड पे हमारे टी शर्ट वगैरह को खोल के घूमते हैं, बैंकॉक में वो मना है और उसके लिए आपको कुछ हद तक सजा भी हो सकता है। बैंकॉक में जाने के बाद आप किसी की तरफ भी गलती से भी उंगली मत दिखाना और किसी को भी सीटी मार के बुलाने के बारे में सोचना भी नहीं, क्योंकि बैंकॉक में इसे बुरा तरीका कहा जाता है और इसके लिए आपको बहुत सारा हैरेसमेंट झेलना भी पड़ सकता है। बैंकॉक में जाने के बाद आप किसी भी थाई व्यक्ति के सर पे गलती से भी हाथ मत रखिएगा, क्योंकि इसे जो है एक बैड हैबिट माना जाता है। अगर आप गलती से भी किसी के सर पे हाथ रख दे तो तुरंत ही उनसे जो है माफ़ी भी मांग लेना। बैंकॉक में जाने के बाद आप वहाँ पे किसी भी बुद्धा टेम्पल की फ़ोटो नहीं ले सकते और बुद्धा की कोई भी पिक्चर आप थाईलैंड के बाहर नहीं ला सकते। अगर आप इसे करते हुए पकड़ा गया तो आपको बहुत हद तक सजा भी हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा अगर आप कभी भी बैंकॉक जाते हैं तो वहाँ से कोई भी बुद्धा की पिक्चर को लाना कोशिश भी मत कीजिएगा। बैंकॉक में जाने के बाद आप अपना टेम्पर को कभी भी लॉस मत कीजिएगा। आप जितना से जितना हो सके शांत रहने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बैंकॉक के ज़्यादातर लोग ही बहुत ही कूल या शांत स्वभाव के होते हैं। बैंकॉक में जाने के बाद आप वहाँ पे फूड से खाना मत खाइएगा, क्योंकि बैंकॉक में फूड से खाना एक गलत चीज़ माना जाता है। इसके लिए आपको सिर्फ चॉपस्टिक ही अलाउ कर सकते हैं या नॉर्मल चम्मच वगैरह अलाउ है खाना खाने के लिए। बैंकॉक में जाने के बाद रात को कभी भी गलती से भी सीटी मत बजाइएगा, क्योंकि ये जो है बैंकॉक में बैड लक की निशानी मानी जाती है और कहा जाता है कि अगर आप रात को सीटी बजाते हैं तो आप जो है इविल को इनवाइट करते हैं आपके पास आने के लिए और कुछ बुरा काम करने के लिए। तो ध्यान रखिएगा इस बात का भी। बैंकॉक में जाने के बाद आप किसी भी स्ट्रेंजर व्यक्ति से मिलने के समय हाथ कभी भी नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि ये जो है उन्हें एक बहुत ही बुरा रिचुअल माना जाता है। आप वहाँ पे जाने के बाद किसी से भी मिलते हैं तो हाथ जोड़ के उनसे मिलने की कोशिश कीजिएगा। तो दोस्तों, आप बैंकॉक में घूमना चाहते हैं तो इन सभी बातों का बहुत ही ध्यान से ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो है बैंकॉक में बैड रिचुअल माना जाता है और बैंकॉक में ये सब चीज़ें जो है बैंड है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों, आप सबसे फिर मिलते हैं ऐसे ही कोई वीडियो।